अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मम्मा किड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे, और मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए बारबेक्यू के टिक्के। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे चीज़ें तो बारबेक्यू वाली हैं नहीं, तो इसलिए कौन कोयले का बंदोबस्त करे और घर पे कोई है भी नहीं। तो आप लोग के लिए मैं झटपट टिक्के दिखाती हूँ कि कैसे बनाए जाते हैं घर पर। तो आए इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि टिक्के कैसे बनाएं और कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं, पहले आप जाके देखें मेरा चैनल का इंट्रो और फिर उसके बाद मिलते हैं आज की रेसिपी। तो चलें। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि यही बेल है जो आपके और मेरे बीच में है कनेक्शन। तो आए व्यूअर्स, हम स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो व्यूअर्स, आज की रेसिपी आपको सिखाने का मेरा बेसिक जो तरीका वो है, मकसद है, वो ये है कि आप लोग को मैं बग़ैर किसी कोयले जलाने के ही बारबेक्यू टिक्के खिलाऊं। जी हाँ, तो उसके लिए हमें सबसे पहले मेरे पास है ये बीफ। तो बीफ आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास बीफ है, इसमें थोड़ी सी मैंने इसके जो फैट्स हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा फैटी टिक्के खाएं तो मुझे तो मज़ा आता है। अगर आपको पसंद नहीं तो आप कम्प्लीटली फैट्स वगैरह हटा सकते हैं, और इनको मैंने छोटे छोटे काट दिए हैं। ठीक है, बारबेक्यू में जो हम लोग करते हैं नॉर्मली वो थोड़े से मोटे होते हैं उसके पीसेस, क्योंकि उसको हम लोग ने ग्रिल में उसको डालना होता है, मगर ये जो है बग़ैर किसी ग्रिल के मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो हमारे पास है बीफ, ठीक है, तकरीबन 1.5 kg आप कह सकते हैं, और साथ में ही है टोमेटो प्यूरी, 2 टोमेटो प्यूरी से मेरे पास, ठीक है, साथ में है ऑयल किसी भी ब्रांड का और वाइट विनीगर, इसकी जगह आप लोग लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। स्पाइसेस में हमारे पास है जी सबसे पहले नमक, हस्बे ज़रूरत, आप जितना भी डालना चाहे डाल सकते हैं, साथ में है रेड चिली पाउडर तकरीबन 1/2 teaspoon अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए, साथ में है टिक्का मसाला तकरीबन 1 teaspoon, और साथ में है अजवाइन, ये तकरीबन आप कर सकते हैं 3/4 या 1/4 teaspoon, ठीक है, और साथ में है सूखा धनिया, आप ये कुटा हुआ धनिया है, आप लोग पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं तकरीबन 1/2 teaspoon, और 1/2 teaspoon वाइट ज़ीरा। ठीक है व्यूअर्स, ये सारे मसाले हम लोग इकट्ठे ही डालेंगे, मगर आए पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग बनाएंगे किस में। हम लोग जी बनाएंगे कुकर में। जी हाँ, आप कहेंगे बारबेक्यू इन कुकर? जी हाँ, इसकी रेसिपी थोड़ी सी है डिफरेंट। तो आए चले हम लोग जल्दी से तैयार करते हैं, और ये तकरीबन आपको व्यूअर्स आधे घंटे के अंदर अंदर ही तैयार हो जाता है। इट इज़ अप टू यू कि आपका गोश्त जो है वो कितना जल्दी गलेगा, तो इसलिए मैं इसको कुकर में बना रही हूँ ताकि जल्दी बन जाए और आपको मैं दिखाऊँ अपने सरप्राइज बारबेक्यू टिक्के। तो चलें जी व्यूअर्स, चूल्हा में चला चुकी हूँ, अब हम लोग इसमें सबसे पहले डालेंगे ऑयल। ऑयल आप तकरीबन डाल दें कि बस इट्स अप टू यू कि आप कितना डालना चाहें, मैंने तकरीबन डाले हैं इसमें 5 tablespoon, ठीक है, इसको थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख देंगे। फिर हम लोग इसमें डालेंगे जो गोश्त बीफ मैंने रखा हुआ है, आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं। बीफ में डाल चुकी हूँ, अब हम लोग इसमें स्पाइस में जो है सबसे पहले इसमें हम लोग डालेंगे नमक, ठीक है, नमक आप डाल दें इसमें सारा, बाकी स्पाइसेस हम लोग इसको गोश्त जब गल जाए उसके बाद हम लोग डालेंगे। को कर लें अच्छी तरह मिक्स, और थोड़ी देर इसको आप कर सकते हैं 5 minutes के लिए तेल में, इसको थोड़ा सा आप कह लें कि फ्राई हम लोग कर लें वाले। जी व्यूअर्स, 5 minutes के लिए इसको हमने फ्राई कर दिया है, अब हम लोग इसकी बारी है, हम लोग इसमें डालेंगे 1 cup पानी।
जी पानी हम लोग इसलिए डालें कि ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल जाए, और ज़्यादा पानी भी ना डालें क्योंकि हमने शोरबा नहीं बनाना। तो इसमें तकरीबन आपने एक कप पानी डाल देना है, ठीक है व्यूअर्स। अब हम लोग बारी है इसको बंद करने के लिए, और रखते हैं इसको तकरीबन 5 या 7 मिनट्स के लिए गलाने के लिए। तो चलिए तो व्यूअर्स हमारे हो गए हैं 7 to 10 मिनट्स लग जाते हैं बीफ गलने में, और आप देख सकते हैं कि हमारा बीफ ऑलरेडी अच्छी तरह गल चुका है। तो इसमें थोड़ा सा बस ये ऑयल और पानी रह गया है, इसको हम लोग कंप्लीट नहीं ड्राई करेंगे क्योंकि अभी हम बारी है इसको पकाने की, तो उसमें थोड़ा सा जूसी रहने देंगे, ठीक है व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, बीफ में जो पानी, अगर आपके बीफ में पानी एक्स्ट्रा हो तो आप वो पानी सुखा दें। अब आप देख सकते हैं पानी सूख चुका है और नीचे बेस में सिर्फ ऑयल रह गया है। अब बारी है इसमें हम लोग डालेंगे स्पाइसेस, जो स्पाइसेस मैंने आपको बताई थी। नमक ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, इसके अलावा हम लोग डालेंगे ज़ीरा, धनिया पाउडर, अजवाइन, टिक्का मसाला और रेड चिली पाउडर, ठीक है व्यूअर्स। ये सारा हम लोग इसमें डाल देंगे। अब इसको कर लेते हैं अच्छी तरह मिक्स। इसको 2-3 मिनट के लिए इन्हीं मिसालों में हम लोग भुनेंगे, फिर हम लोग इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी और विनेगर। तो आए इसको पहले भून लेते हैं। जी व्यूअर्स, मिसाले अच्छी तरह भून चुके, अब हम लोग इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। तो आप लोग टमाटर काट भी सकते हैं, मगर मैं मोस्टली अपनी रेसिपी से प्यूरी यूज़ करती हूँ। इसको भी कर लेते हैं अच्छी तरह में। साथ में ही हम लोग डाल लेंगे व्यूअर्स वाइट विनेगर, आप लोग लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, तकरीबन ये 2 टेबलस्पून। अगर लेमन यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप तकरीबन 1.5 टेबलस्पून डाल सकते हैं। अब व्यूअर्स बारी है इसको दोबारा थोड़ा सा हम लोग कुकर में पकाएंगे, ताकि इसका जो पानी है और जो टोमेटो प्यूरी का जो पानी है वो सारा गोश्त में गल जाए अच्छी तरह, और मसाले स्पाइसेस भी अपना टेस्ट छोड़ दें। तो चलो जी व्यूअर्स, टमाटर का पानी भी ऑलमोस्ट बस सूखने वाला है, जैसे ही ऑयल छोड़ने लग जाए तो बस फिर आपने आंच इसकी बिल्कुल बंद कर देनी है। अभी इसको तेज आंच पे मैं पका रही हूँ। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये ऑयल छोड़ने लग गया है अभी। अब बारी है हम लोग इसमें सरप्राइज करेंगे। जी हाँ, आप गैस करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिए, और जी साथ में बेल का आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो व्यूअर्स आई थिंक जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने गेस कर चुके होंगे या नहीं, चले मैं बता देती हूँ। सरप्राइज जो है, जो फाइनल स्टेज है, टिक्के तो हमारे बन चुके हैं। अब इसमें हम लोग बारबेक्यू का टेस्ट किस तरह लाएंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कोयला। जी हाँ, चले आए मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। जी व्यूअर्स, मैंने ले लिया है एक कोयला, ठीक है। इसको हम लोग चूल्हे पर मैंने इसको रख दिया है, इसको खूब गर्म कर देंगे, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे इसका दम। जी हाँ, चले आए मैं आपको बताती हूँ, जो लोग नहीं जानते कि कोयले का दम किस तरह किया जाता है।
तो वो लोग अभी सीख लें। और व्यूअर्स, आप लोग ये टिक्के जो हैं चिकन में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं। तो चलिए आए, मैं आपको बताती हूँ जब कोयला गर्म हो जाए कि फिर उसके बाद हम क्या करेंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, कोयला हमारा गर्म हो चुका है तो मैंने एक फॉइल से इस तरह का बाउल सा बना दिया है, क्योंकि हम लोग इसके बीच में, जब टिक्कों के बीच में मैं ये बाउल रखूँगी और उसके ऊपर हम टिक्का डालेंगे और थोड़ा से इसकी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, तो ये थोड़ा सा धुआँ छोड़ देगा तो उसका हम लोग दम देंगे टिक्का को। तो टिक्का ऑलमोस्ट हो चुका है और बाउल भी हमारा बन चुका है, तो मैं आए बताती हूँ कि किस तरह हम लोग रखेंगे। चलें तो व्यूअर्स, ये देखें बीच में मैंने ये बाउल रख दिया है, ठीक है। अब हम लोग जो कोयला गरम कर दिया था हमने वो रख देंगे कुछ इस तरह, ठीक है व्यूअर्स। अब इसके ऊपर हम लोग चंद कतरे ऑयल के डाल देंगे, ऑयल के हों या घी के हों, जो भी आप, सब टू यू। और इसको फौरन बंद कर देंगे। फाइनली हमारे रेसिपी हो गई है कंप्लीट और हमारे बारबेक्यू टिक्के इन कुकर हो गए हैं रेडी। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को जल्दी से जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी प्लेलिस्ट में जाके मज़ीद इस तरह की झटपट रेसिपी से फ़ायदा उठाएँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।